सनातन धर्म में हर महीने की अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। भाद्रपद महीने की सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वो दिन होता है जब पिंडदान करने से, तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। यही नहीं, इस दिन धन की कमी दूर करने का भी मौका मिलता है, साथ ही कर्ज से मुक्ति के भी द्वार खुलते हैं। लेकिन इस बार इस दिन की तिथि और समय को लेकर लोगों के मन में काफी शंकाएं बनी हुई हैं। 2 या 3 अगस्त किस दिन है सोमवती अमावस्या, तो चलिए इसकी सही तिथि के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 3 अगस्त को सुबह 7:24 पर होगा। मान्यताओं के अनुसार अमावस्या में स्नान और दान उदया तिथि में मान्य होता है, इसलिए भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान सुबह 4:38 से लेकर सुबह 5:24 के बीच होगा। इसके साथ ही पितरों का श्राद्ध कर्म दोपहर 12 बजे के बाद और सूर्यास्त से पहले तक किया जाएगा। इस दिन स्नान दान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। गंगा नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इस दिन और भी ऐसे कई काम हैं जो करना बेहद जरूरी माना जाता है। इसके बिना अमावस्या की कल्पना भी अधूरी मानी जाती है। धर्माचार्यों के मुताबिक भाद्रपद की अमावस्या पर पितरों के लिए धूप ध्यान जरूर करना चाहिए। ये काम दोपहर में ही करना चाहिए। सुबह और शाम का समय देवी देवताओं की पूजा के लिए उत्तम रहता है। दोपहर में करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब पितरों का ध्यान करते हुए अंगारों पर गुड़ घी डालें। जानकार कहते हैं कि आप चाहें तो खीर पूरी से भी पितरों को धूप दिखा सकते हैं। धूप देने के बाद हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर पितरों को अर्पित करें। हथेली में अंगूठे के नीचे के भाग में स्वामी पितर देवता माने जाते हैं, इसलिए अंगूठे की ओर से पितरों को जल चढ़ाने की परंपरा है। सोमवार और अमावस्या के योग में भगवान शिव का विशेष अभिषेक करें। शिव जी को जल और दूध चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। बेलपत्र, धतूरा, आकर के फूल चढ़ाएं। शिवलिंग पर चंदन लगाएं, धूप दीप जलाएं, मिठाई का भोग लगाएं। पूजा में भगवान के मंत्रों का जप कम से कम 108 बार करें। सोमवार को शिव जी के मस्तक पर विराजित चंद्रदेव की भी पूजा करें। चंद्रदेव के लिए दूध का दान करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता अनुसार दान करें। धन, अनाज, कपड़े, जूते, चप्पल का दान कर सकते हैं। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा जरूर दें। इस दिन तामसिक चीज़ों से दूरी बनाए रखें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।